हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ट्यूब और कैथेटर दैट इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा फॉर कलेक्टिंग और रिमूविंग यूरिन। क्या होता है, यह एक ट्यूब होता है जो कि हम ब्लैडर में इंसर्ट करवाते हैं। किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा। हम कहाँ पर? ब्लैडर में इंसर्ट करवाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं या कुछ सैंपल वगैरह लेते हैं। देन हम उसके देखेंगे पर्पसेस। फर्स्ट है रिलीव यूरिनरी रिटेंशन। यदि पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको रिलीव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैथेटर डालते हैं। सेकंड, अलाउ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट। पेशेंट का सही से मेज़र करने के लिए उसका कितना आउटपुट हुआ है यूरिन का, हमने कितना उसको इनपुट दिया था, ये सब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, कैथेटर का यूज़ करते हैं। देन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यदि कोई पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैथेटर डालेंगे। देन एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। पेशेंट को जब भी सर्जरी होने वाली है या सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में हम क्या करते हैं, उसको कैथेटर डालते हैं। देन हम अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कैथेटर। फर्स्ट, इंडवेलिंग कैथेटर, फोलिस कैथेटर या रिटेंशन। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस्ड इन टू द ब्लैडर फॉर लॉन्ग टाइम। जो फोलिस कैथेटर रहता है हम उसको कहाँ पे, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट करवाते हैं, जो कि एक लंबे समय तक रहता है। कितना? 24 to 48 hours तक हम इसको इंसर्ट करवा के रखते हैं। देन सेकेंड है हमारा रबर कैथेटर या इंटरमीडिएट कैथेटर, आल्सो कॉल्ड K90 कैथेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, K90 कैथेटर भी बोलते हैं। ये एक सक्शन कैथेटर की तरह होता है बिल्कुल। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 minutes। ये एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं और सिंगल यूज़ ये रहता है। जब भी पेशेंट को कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, K90 कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं, यूरिन पास करवा के और उसको रिमूव कर देते हैं। देन सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। दिस टाइप ऑफ कैथेटर इज इंसर्टेड इन टू द ब्लेडर थ्रू अ स्मॉल इंसिशन अबव द प्यूबिक एरिया। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्यूबिक एरिया रहता है उसमें हम एक स्मॉल इंसिशन मतलब कट करके और क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं। कहाँ पे? ब्लेडर में। उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, जिसको हम क्या, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं। देन कॉन्डम कैथेटर या एक्सटर्नल कैथेटर। अ कॉन्डम कैथेटर इज अ यूरिन कलेक्शन डिवाइस दैट फिट्स लाइक अ कॉन्डम ओवर योर पेनिस। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टाइम। कॉन्डम कैथेटर क्या होता है, इसमें जो भी कैथेटर रहता है वो एक कॉन्डम की तरह होता है जिसको हम पेनिस के ऊपर लगाते हैं। देन क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसीजर। फर्स्ट हम देखेंगे मेल पेशेंट के में किस तरह हम फोलिस कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं। तो मेल पेशेंट में जो पोजिशन हम रखेंगे वो कौन सी रखेंगे, सुपाइन पोजिशन रखेंगे। देन क्या करते हैं, हम क्लीन द पेनिस विद द यूज़ ऑफ बिटाडीन। मेटाडिन का यूज़ करके हमें क्या करना है, पेनिस एरिया को पूरी तरह क्लीन कर लेना है। देन लुब्रिकेट कैथेटर एटलीस्ट 12 to 18 centimeters, और जो कैथेटर है उसको हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। किससे? जाइलोकिन जेली से अच्छी तरह उसको लुब्रिकेट करने के बाद इंसर्ट 7 to 9 inches, 7 से 9 inches हमें क्या करवाना है, उसको अंदर की ओर इंसर्ट करवाना है। देन क्या करेंगे, हम यूज़ स्टेराइल वाटर 10 to 15 ml फॉर इन्फ्लेंट बैलून। और जो बैलून बनाने के लिए हम कितना, 10 से 15 ml स्टेराइल वाटर का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लेडर में एक बैलून बन जाएगा और जो आपका कैथेटर डाला है वो रिटर्न नहीं होगा। इस तरह हम मेल पेशेंट में इजीली फोलिस कैथेटर को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे फीमेल पेशेंट में किस तरह फोलिस कैथेटर को इंसर्ट करवाते हैं। फर्स्ट है पोजिशन। जो पोजिशन रहेगी फीमेल पेशेंट में कौन सी रहेगी, डोर्सल रिक्यूमबेंट पोजिशन रहेगी। देन क्लीनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक जेनिटल एरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट से बैक की ओर हम क्या करना है, जेनिटल एरिया को क्लीन करना है। देन लुब्रिकेट 2 to 5 centimeters, कैथेटर को हमें कितना, 2 to 5 centimeters लुब्रिकेट करेंगे। यूज़ स्टेराइल वाटर 10 to 15 ml फॉर इन्फ्लेट बैलून। और जो बैलून इन्फ्लेट करने के लिए हम कितना, 10 to 15 ml हमें वाटर यूज़ करना है, जिससे हम इजीली फीमेल पेशेंट में कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम कैथेटर को क्या करेंगे, इंसर्ट करने के बाद में यूरोबैग से कनेक्ट कर देंगे, जिससे जो यूरिन रहेगा वो यूरोबैग में कलेक्ट होता रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।